हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जो अपना चैप्टर क्लास 11th का पढ़ रहे थे मदर्स डे, उसका हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। मदर्स डे में अभी तक हमने पढ़ा था कि दो लेडी हैं, एक मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जेराल्ड। मिसेस फिट्जेराल्ड जो हैं वो एक फॉर्च्यून टेलर हैं, लोगों को उनका भविष्य बताती हैं, और मिसेस पियर्सन जो हैं इस स्टोरी से अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हमें ऐसे पता चला कि उनकी उनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। उनका हस्बैंड और उनके बच्चे उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सब उन्हें छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वो दिन भर सबके काम किया करती हैं। तो मिसेस फिट्जेराल्ड जो हैं वो उन्हें सलाह देती हैं कि उन्हें अपने जो उनके साथ गलत हो रहा है उसके लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। फिर वो दोनों जो मिसेस फिट्जेराल्ड हैं और मिसेस पियर्सन, वो दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी जो है एक्सचेंज कर रही हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर एज्यूम दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडीज। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, यानी कि जो छोटा सा दृश्य है इसका अभिनय बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। एक्टेड मीन्स अभिनय। वी आर एज्यूम, एज्यूम जो चीज़ होती है वो चीज़ हम मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं दैट द पर्सनालिटीज की व्यक्तित्व। पर्सनालिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व। चेंज बॉडीज यानी कि हम ये मान लेते हैं कि व्यक्तित्व जो है शरीरों को बदल देते हैं। After the spell has been spoken, both women still grasping hands go lax as if the life were out of them. यानी कि हमने पढ़ा था कि जो मिसेस फिट्जेराल्ड हैं और मिसेस पियर्सन हैं वो एक दूसरे की बॉडी जो है एक्सचेंज कर रही हैं। मीन्स जो है मिसेस फिट्जेराल्ड जो हैं वो किसके भेष में आ जाएगी, मिसेस पियर्सन के, और मिसेस पियर्सन जो हैं वो किसके भेष में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी मिसेस फिट्जेराल्ड के। तो ये हम मतलब पढ़ रहे थे। तो आफ्टर द स्पेल हैज बीन ब्रोकन, यानी कि जब जो है स्पेल मीन्स होता है मंत्र, जब मंत्र बोला गया, बोथ वुमेन यानी दोनों औरतें स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स यानी अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गो लैक्स। लैक्स मीन्स होता है शिथिल हो जाना, शिथिल हो जाना। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, इस तरीके से जैसे उनका जीवन उनसे बाहर निकल गया है। दे बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनालिटीज ऑफ द अदर, यानी एक पल के लिए दोनों शिथिल हो जाती हैं, एकदम बिल्कुल लूज पड़ जाती हैं। देन बोथ कम टू लाइफ यानी तब दोनों दोबारा क्या होती हैं, जीवित हो जाती हैं, जीवन में वापस आ जाती हैं, बट विद द पर्सनालिटीज ऑफ अदर, लेकिन एक दूसरे के व्यक्तित्व के साथ, यानी कि एक्सचेंज हो जाती है, उनकी पर्सनालिटी एक्सचेंज हो गई। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। चूंकि ये जो स्टोरी है वो सीन वाइज चल रही है तो उसमें सीन के अकॉर्डिंग भी लिखा गया है। तो अब ये है, लाइक ईच मस्ट ट्राई यानी दोनों को करना चाहिए टू अडॉप्ट, अडॉप्ट द वॉइस यानी अडॉप्ट करना यानी किसी चीज को अपनाना। अब दोनों को एक दूसरे की आवाज एंड मैनरिज्म, मैनरिज्म मीन्स होता है मैनर्स मीन्स स्वभाव किसी का, एक दूसरे के स्वभाव को और आवाज को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। सो नाउ अब मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्जेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। अभी तक जो हमने सीन देखे थे उसमें जो मिसेस फिट्जेराल्ड थी वो तो काफी बोल्ड थी, लेकिन मिसेस पियर्सन जो थी काफी नर्वस थी। तो अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया है कि मिसेस पियर्सन जो है वो साहसी हो गई है, बोल्ड साहसी हो गई एंड डोमिनेटिंग और रोबीली। डोमिनेट करना मतलब रोबीला होना, और जो मिसेस फिट्जेराल्ड थी वो नर्वस है और फ्लटरिंग है। फ्लटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, और फिर नर्वस एंड फ्लटरिंग यानी घबराई हुई और अस्थिर हो गई है। कौन? मिसेस फिट्जेराल्ड, यानी कि दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई। मिसेस पियर्सन, अब मिसेस पियर्सन बोल रही हैं नाउ विद मिसेस फिट्जेराल्ड पर्सनालिटी, यानी मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, लेकिन वो चूंकि मिसेस पियर्सन के व्यक्तित्व में है, वो मिसेस फिट्जेराल्ड के व्यक्तित्व में है, तो कह रही सी यानी देखो, व्हाट आई मीन डियर यानी कि देखो मेरा क्या मतलब है। शी प्रिय, शी नोटिसेस द सिगरेट, फिर वो किस पे, सिगरेट पे ध्यान देती हैं। हियर यू डोंट वांट दिस, यानी अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। शी स्नैचेज इट,
यानी वो क्या करती है, इसे छीन लेती हैं एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली. क्या करती हैं वो, स्नैच मींस होता है छीनना, स्नैच मींस होता है छीन लेना. तो वो अब कह रही हैं मिसेस पियर्सन जो हैं, चूंकि वो मिसेस फिट्जेराल्ड की पर्सनालिटी में आ गई तो वो बोल्ड हो गई हैं, तो वो क्या करती है, मिसेस फिट्जेराल्ड के हाथों में सिगरेट देखती हैं और उसे छीन लेती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, और इसे स्वयं अपने मुँह में रख लेती हैं पफिंग कंटेंटेडली, और मतलब क्या करती हैं लगातार उसको कंटेंटेडली संतुष्टता से, संतुष्ट होकर, कंटेंटेडली मीन्स संतुष्ट होकर क्या करती हैं, खींचती रहती हैं उसको, सिगरेट के कष्ट लेती रहती हैं. मिसेस फिट्जेराल्ड नाउ विथ मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, और जो मिसेस फिट्जेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में हो गई हैं, तो लुक्स डाउन एट हरसेल्फ, वो खुद को देखती है एंड सीज, और देखती हैं दैट हर बॉडी, कि उनका शरीर हैज चेंज, बदल चुका है. एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट, स्क्रीम मीन्स होता है चीख मारना, फ्राइट मीन्स भय से, और भय से चीख मारती हैं. मिसेस फिट्जेराल्ड यानी श्रीमती फिट्जेराल्ड विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, वो मिसेस पियर्सन की व्यक्तित्व के साथ कह रही हैं ओ इट्स हैपेंड, अरे ये हो गया. तो मिसेस पियर्सन क्या रिप्लाई कर रही हैं, कंप्लेसेंटली ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो इट हैड इट इन मी, यानी कि अब वो जवाब दे रही हैं बहुत ही रिलैक्स होकर, संतोषपूर्वक, कॉम्प्लेसेंटली मीन संतोषपूर्वक, कि वास्तव में ऑफ कोर्स यानी वास्तव में इट हैज हैपेंड, ये हो चुका है, वेरी नीट, बहुत साफ, डिडेंट नो मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे शरीर में मेरे अंदर चेंज हो गया है. फिर मिसेस फिट्जेराल्ड बोल रही हैं अलार्म्ड यानी संदेह में, भयभीत होकर बोल रही हैं बट वॉट एवर शैल आई डू, लेकिन मैं जो भी करूंगी, मिसेस फिट्जेराल्ड जॉर्ज एंड द चिल्ड्रेन कांट सी मी लाइक दिस, यानी जो मिसेस फिट्जेराल्ड हैं वो, चूंकि मिसेस फिट्जेराल्ड जो हैं वो तो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में आ गई हैं, तो वो बोल रही हैं कि लेकिन मैं जो भी करूंगी, जॉर्ज और जो बच्चे हैं वो मुझे इस तरह नहीं देख पाएंगे. मिसेस पियर्सन कह रही हैं ग्रिमली दे आर नॉट गोइंग टू, That's the point. They will have me to deal with. Only they won't know it. तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं कि देखो स्थिर आओ, एक मिनट, हाँ मिसेस फिट्जेराल्ड बोल रही हैं but whatever shall I do? ये तो मैंने बता दिया, फिर हम लोग यहाँ पे हैं. मिसेस पियर्सन कह रही हैं ग्रिमली मीन्स बहुत गंभीरता पूर्वक, दे आर नॉट गोइंग टू यानी वो नहीं देखेंगे, दैट्स अ पॉइंट, यानी यही तो बात है कि वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन रूप चेंज करके आया है. दे विल हैव मी टू डील विथ, यानी उन्हें जो है मुझसे व्यवहार करना पड़ेगा. वनली दे वोंट नो इट, सिर्फ वो इसे नहीं जानेंगे. मिसेस फिट्जेराल्ड कह रही है स्टिल अलार्म्ड, अभी भी भयभीत होकर, बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल, बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, यानी कि मिसेस फिट्जेराल्ड चूंकि मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में है तो वो कह रही है कि अगर तब क्या होगा यदि हम इसे दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी टेरिबल, यानी ये बहुत गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा अगर हम दोबारा चेंज नहीं कर पाए, यानी अपनी बॉडी को दोबारा एक्सचेंज नहीं कर पाए अपनी पर्सनालिटी को, तब क्या होगा. मिसेस पियर्सन हियर स्टेडी यानी स्थिर रहो मिसेस पियर्सन, चूंकि जो मिसेस पियर्सन है वो यहाँ पे मिसेस पियर्सन नहीं बोल रही है, यहाँ पे मिसेस फिट्जेराल्ड बोल रही हैं, मिसेस फिट्जेराल्ड बोल रही हैं. इस चीज को समझते हुए चलिएगा कि यहाँ पे मिसेस पियर्सन नहीं, मिसेस फिट्जेराल्ड बोल रही हैं, चूंकि उनकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है. इफ़ यू हैड मी लिव माई लाइफ इट वुडेंट बी सो बैड, यानी कि चूंकि जो रियल वाली मिसेस फिट्जेराल्ड थी तो वो बोल रही हैं कि देखिए मिसेस पियर्सन, अगर आपको मेरा जीवन जीना पड़े तो वो इतना बुरा नहीं है. यू वुड हैव मोर फन
as me than you have had as you, यानी तुम्हें इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा जितना तुम अपने जीवन में लेती हो। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड कह रही, यस हाँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स। तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड जो कि मिसेस पियर्सन हैं वो बोल रही, हाँ ठीक है, लेकिन मैं कुछ कोई और बन के नहीं रहना चाहती, मतलब मैं दूसरे के रूप में नहीं रहना चाहती। मिसेस पियर्सन अब बोल रही हैं, मिसेस पियर्सन के बोलने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोल रही हैं, बोल रही नाउ अब स्टॉप वरिंग, यानी आप चिंता छोड़ दो। इट्स ईजियर, यानी ये जो है आसान हो जाएगा। चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, यानी हम इसे बदल सकते हैं उस वक्त जब हम, जब मैं इसे चाहूँ। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट। तो मिसेस पियर्सन अब बोल रही हैं, मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, यानी कि मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोल रही हैं, एक मिनट, आई थिंक एक लाइन मिस हो गई है, हाँ, मिसेस फिट्ज़रॉल्ड यानी कि मिसेस पियर्सन यहाँ पे वेल डू इट नाउ, वो बोल रही हैं ठीक है अभी करो, मतलब वो कह रही है कि दोबारा अभी से ठीक है, दोबारा फिर से एक्सचेंज कर लो, मतलब जो उन्होंने अपनी जो जो पर्सनालिटी है वो चेंज की है उसको, वो कह रही है दोबारा बदल दो। तो उसके जवाब में मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोल रही हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन के भेष में है वो, तो वो बोल रही हैं, मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोल रही हैं, नॉट लाइकली, यानी ये संभव नहीं है। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली, यानी मुझे तुम्हारे परिवार से व्यवहार करना है। दैट्स द आइडिया, यानी ये विचार है। इजेंट इट, क्या ये नहीं है। डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड, वेल आई विल शो यू, यानी कि तुमने कहा था कि तुम नहीं जानती कि कैसे शुरू किया जाए। चूंकि जब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड मिसेस पियर्सन को ट्रेंड कर रही थी, उनसे कह रही थी कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और उनके उन्हें सुधारें, जो उनके बच्चे बिगड़ गए हैं उन्हें वैल्यू नहीं देते, तो वो चाह रही थी कि वो उन्हें सुधारें। तो मिसेस पियर्सन कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये करूँगी, इसलिए दोनों ने क्या किया, पर्सनालिटी एक्सचेंज कर ली। अब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन के भेष में आ गए और वो जाएंगी उनकी फैमिली से मिलने उन्हें सुधारने के लिए। तो वो बोल रही हैं कि तुमने कहा था कि इनसे मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू किया जाए, वेल ठीक है आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यानी कि मिसेस फिट्ज़रॉल्ड बोल रही हैं कि अब मैं तुम्हारे भेष में जाऊंगी तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे उन्हें ठीक करना है। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड, बट वॉट एम आई गोइंग टू डू। तो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड जो कि यहाँ पे मिसेस पियर्सन है वो बोल रही हैं कि लेकिन मैं, मुझे अब क्या करना है। मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, यानी कि मिसेस फिट्ज़रॉल्ड, गो इन टू माई हाउस फॉर ए बेड, देयर इज़ नो बडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग। गो इन टू माई हाउस फॉर ए बिट, यानी मेरे घर में जाओ थोड़ी देर के लिए, देयर इज नो बडी देयर, वहाँ पर कोई नहीं है, देन पॉप बैक, और तब क्या होगा, अचानक ही वापस आ जाओ, एंड सी, और देखो हाउ वी आर डूइंग, कि हम कैसे इसे कर रहे हैं। You ought to enjoy it. Ought to, यानी तुम्हें करना है, तुम्हें इसका आनंद लेना है। Better get off now before one of them comes. यानी better get off now. यानी कि इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ before one of them comes. यानी कि इससे पहले कि उनमें से कोई एक आए, तुम यहाँ से जाओ। Mrs. Fitzgerald. अब Mrs. Fitzgerald बोल रही हैं, जो कि वास्तव में कौन है, मिसेस फिट्ज़रॉल्ड यहाँ पे मिसेस पियर्सन है, वो बोल रही है नर्वसली राइजिंग, यानी वो घबरा कर, नर्वसली यानी घबरा कर, राइजिंग मीन्स उठती हुई, यस हाँ आई सपोज, मैं आशा करती हूँ दैट्स द बेस्ट, कि ये ठीक है। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम निश्चित हो कि ये ठीक है। मिसेस पियर्सन कह रही हैं चकलिंग, यानी हंसते हुए, इट विल बी वंडरफुल, यानी ये आश्चर्यजनक होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, यानी अब तुम जाओ प्रिय। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, यानी श्रीमती पियर्सन जो हैं क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, यानी क्या करती हैं, जो मिसेस फिट्ज़रॉल्ड हैं जो कि वास्तव में मिसेस पियर्सन हैं, वो क्या करती हैं कि कमरा पार करती हैं, सीधे दरवाजे के बाहर जाने की जल्दी करती हैं। लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट, यानी कि अब वो अकेली हैं, श्रीमती पियर्सन क्या कर रही हैं, धूम्रपान करती हैं और दूसरी सिगरेट जलाती हैं।
एंड बिगन स्लिंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल, यानी एंड बिगन स्लिंग ऑन द कार्ड, और क्या करती है, मेज पर ताश के पत्तियों को फॉर पेशेंट्स ऑन टेबल, यानी मेज पर धैर्य के लिए वो क्या करती है, पत्तों को रखना शुरू करती हैं। ये मिसेस पियर्सन तो है नहीं, ये यहाँ पे फिट्ज़जेराल्ड है, तो इसलिए वो सिगरेट पी रही है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ क्षण के बाद, डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट, यानी डोरिस पियर्सन जो है लेफ्ट से यानी बाई तरफ से आती है। शी इज़ अ प्रीटी गर्ल इन हर अर्ली ट्वेंटीज, यानी वो अभी अपने बीसवें मतलब अपनी बीसवीं की उम्र में है और सुंदर लड़की है। शी हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ी हुई, यानी अगर वो बिगाड़ी नहीं गई होती तो वो और प्यारी होती। डोरिस कह रही है बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, यानी डोरिस क्या बोले, इससे पहले कि वंदर किसी चीज को लेती, मम यानी माँ, यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, यानी आपको मेरी पीली सिल्क पर आयरन करना था, प्रेस करना था। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे इसे रात में, आज रात में पहनना है। शी नाउ सीज वॉट्स हैपनिंग, शी नाउ सीज यानी अब वो देखती है वॉट्स हैपनिंग कि क्या घटित हो रहा है, एंड दैट्स एंड इज एस्टॉन्डेड, और एस्टॉन्डेड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, और आश्चर्यचकित हो जाती है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, यानी वो केंद्र में बाई ओर से जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, मिसेस पियर्सन अपनी साधारण आवाज यूज करती हैं, साधारण आवाज में वो कहती हैं, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग, ये लेकिन जो उनका स्वभाव है वो अस्थिर नहीं है, फ्लटरिंग नहीं है, एंड अपोलोजेटिक नहीं है, मीन्स उन्हें खेद नहीं है। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि जब कोई उन्हें कुछ कहता था तो वो अस्थिर हो जाती थी, बहुत सबसे दबके रहती थी, तो लेकिन अब उनका स्वभाव जो है फ्लटरिंग नहीं है, लड़खड़ाता हुआ नहीं है, अस्थिर नहीं है, और ना ही खेद भरा है, बट कूल एंड इंसिसिव, लेकिन क्या है, शीतल और बुद्धिमानी से भरा हुआ है। मिसेस पियर्सन अब बोल रही हैं, जो कि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं, नॉट इवन लुकिंग अप, यानी कि ऊपर देख भी नहीं रही हैं वो, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, यानी तुम क्या सोचती हो मैं क्या कर रही हूँ, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, यानी कि छत पर सफेदी। डोरिस, तो डोरिस बोल रही है स्टिल एस्टॉन्डेड, यानी अभी भी आश्चर्यचकित है वो, डोरिस जो है अभी भी आश्चर्यचकित है। बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम सिगरेट पी रही हो, तुम धूम्रपान कर रही हो। मिसेस पियर्सन बोल रही हैं दैट्स राइट डियर, हाँ ये ठीक है प्रिय, नो लॉ अगेंस्ट इट, यानी क्या इसके विरुद्ध कोई कानून है, इज देयर नो लॉ अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं, इज देयर यानी क्या है। डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम धूम्रपान नहीं करती थी। मिसेस पियर्सन अब बोले देन यू थॉट रॉन्ग, लेकिन तब तुमने गलत सोचा। फिर डोरिस कह रही है आर वी हैविंग टी इन द किचन, फिर डोरिस कह रही है कि क्या हमारी चाय जो है आज हम किचन में चाय पी रहे हैं, मतलब क्या हमारे पास किचन में चाय है। तो मिसेस पियर्सन बोले हैव इट वेयर यू लाइक डियर, यानी पियो जहां तुम चाहो। डोरिस एंग्रीली गुस्से से कह रही है डू यू मीन इट इजंट रेडी, यानी क्या तुम्हारा मतलब है कि तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन कह रही है Yours is not, यानी तुम्हारी चाय तैयार नहीं है। I have had all I want, यानी कि जो मैं चाहती थी, जो I have had, यानी मैंने कर लिया है all I want, जो मैं चाहती थी। Might go out later, अब मैं बाद में बाहर जा सकती हूँ। And get a square meal at the Clarendon, यानी और Clarendon जाकर पेट भर के भोजन कर सकती हूँ। यानी मिसेस पियर्सन से बता रही कि हो सकता है मैं आज बाहर जाऊँ। तो डोरिस का क्या रिएक्शन है इस बात पे, क्योंकि उसकी माँ जो है कभी बाहर नहीं जाती थी। डोरिस कह रही हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, यानी हार्डली बिलीविंग, हार्डली मीन्स मुश्किल से, बिलीविंग मीन्स विश्वास करते हुए, हर ईयर्स अपनी मुश्किल से हार्ड उसको अपने कानों पर विश्वास करते हुए, हु माइट यानी कौन जा सकता है। मिसेस पियर्सन बोले आई माइट, यानी मैं जा सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो।
डोरिस कह रही है स्टेयरिंग एट हर, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरते हुए, देखते हुए. मम व्हाट्स द मैटर विथ यू, यानी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे साथ क्या मसला है. मिसेस पियर्सन कह रही है डोंट बी सिली. तो मिसेस पियर्सन कह रही है कि मूर्ख ना बनो. तो अब जो है हम यहीं तक अपना करते हैं. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे डोरिस क्या कह रही है इसके रिप्लाई में. यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.